दोस्तों, गैर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर कार्य अनुभव के आधार पर वेतनमान और अस्थायीकरण की मांग की। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ तथा इससे संबंध झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई वार्ता में मुख्यमंत्री को बताया कि लगभग 55,000 पारा शिक्षक टेट पास नहीं हैं। जी हाँ, सीएम से मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि पारा शिक्षकों के लिए तैयार वर्तमान नियमावली से वे वेतनमान से वंचित हो जाएंगे। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 22 महीने से मानदेय नहीं मिलने की जानकारी देते हुए कहा कि उनके समक्ष आर्थिक संकट खड़ी हो गई है। टेट, जी हां, गैर टेट पारा शिक्षकों को कार्य अनुभव के आधार पर वेतनमान देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमावली का प्रारूप तैयार है। प्रारूप उनके पास आने के बाद वे उनकी मांगों पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पदाधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि नियमानुसार जो भी संभव हो वह पूरा किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार मुख्यमंत्री ने उन्हें यह भी आश्वस्त किया कि किसी पारा शिक्षक को सेवा से हटने नहीं दिया जाएगा।